नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मोदी कैबिनेट से हटाए गए रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाए जाने की अटकलें हैं। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाने का फैसला हो चुका है और इसका औपचारिक ऐलान भर होना बाकी है। इस रिपोर्ट में देखिए, मोदी कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ, कई नए चेहरे बदले, कई दिग्गजों की छुट्टी कर दी गई, तो कई नए और युवा चेहरे शामिल किए गए। मोदी कैबिनेट में नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व भी बढ़ा, जिसको लेकर खूब चर्चाएं हुई। तो दूसरी तरफ चर्चा इस बात की भी हुई कि मोदी कैबिनेट से कई बड़े और नामी चेहरों की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन अब खबरों की सुर्खियां बदल रही हैं। जी हां, मोदी कैबिनेट में कानून मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब तक संगठन या सरकार की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। वहीं प्रसाद की तरफ से भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। तमिलनाडु में फिलहाल बनवारीलाल पुरोहित गवर्नर हैं। मोदी कैबिनेट से हटाए गए बड़े चेहरों में रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को संगठन में कोई बड़ा पद दिए जाने की चर्चा पहले ही जोरों पर है। ऐसे में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी महासचिव के साथ बैठक के बाद रविशंकर प्रसाद की तमिलनाडु के राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति की बात कही जा रही है। अगले साल उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को संगठन में राष्ट्रीय महासचिव या उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय कैबिनेट में हुए फेरबदल में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव को शामिल किया गया है। ऐसे में उनकी जगह पर किसी मजबूत और अनुभवी नेता को जगह दी जा सकती है। प्रसाद और जावड़ेकर पहले भी पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाए जाने पर वे थावर चंद गहलोत के बाद गवर्नर की जिम्मेदारी संभालने वाले दूसरे नेता होंगे। गहलोत को कैबिनेट से इस्तीफे के तुरंत बाद कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया था। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रसाद और जावड़ेकर को अहम जिम्मेदारी देने पर फैसला हो चुका है। 66 साल के रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से लोकसभा सांसद है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो कोयला मंत्रालय, कानून व न्याय मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार में भी वो कानून व न्याय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और संचार मंत्री रह चुके हैं। वही 70 साल के प्रकाश जावड़ेकर महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है। वे मोदी मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री रह चुके हैं। फिलहाल इस बात की कोई भी सरकारी पुष्टि तो नहीं हुई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या रविशंकर प्रसाद को गवर्नर का पद दिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो थावरचंद गहलोत के बाद रविशंकर प्रसाद दूसरे बड़े मंत्री होंगे जिन्हें किसी राज्य का गवर्नर बनाया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।